नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। केकेआर ने 8 विकेट से यहां पर हरा दिया है हैदराबाद टीम को और ट्रॉफी जो है वो फाइनली केकेआर के खेमे में चली गई है। 10 साल बाद ये सपना पूरा हुआ है। साल 2012 में पहली दफा केकेआर ने ट्रॉफी उठाई थी गौतम गंभीर की कप्तानी में और साल 2014 में भी गौतम गंभीर की कप्तानी में टीम ने जीत हासिल की थी। और देख लीजिए साल 2024 में भले ही वो कप्तान नहीं है लेकिन मेंटोर के तौर पर टीम से जुड़े हैं और इस टीम को एक बार फिर से ट्रॉफी दिलाई है। गौतम गंभीर का सबसे बड़ा हाथ रहा है कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि किस तरीके से उनकी बातचीत हुई है बाकी के कप्तानों से, बाकी के टीममेट्स से, तो वो बड़ा मैटर करता है। वहां पर गौतम गंभीर ने अपना रोल सबसे बढ़िया अदा किया है। अब देखिए यहां पर शाहरुख खान के पास जाएंगे या फिर बीसीसीआई के साथ वो जुड़ेंगे, ये बड़ी दुविधा हो गई है गौतम गंभीर के लिए। या क्या करेंगे गौतम गंभीर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि शाहरुख खान जैसे ही ये खबरें आई कि बीसीसीआई की हेड कोच के तौर पर भी उनसे बातचीत जो है वो की गई है और लगभग ये माना जा रहा है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर जय शाह ने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से कोई संपर्क नहीं किया गया है, तो सबसे ज्यादा जो दारोमदार है वो गंभीर पर होता नजर आ रहा है। जो खबरें आ रही है वो ये बता रही है कि शायद गौतम गंभीर ही हेड कोच होंगे। अब देखिए खबरें ये आ रही है कि केकेआर के मालिक शाहरुख खान जो है उन्होंने गौतम गंभीर को लखनऊ से ले आने के लिए सबसे बड़ा जो काम था वो ये किया था कि उन्होंने ये कहा था कि वो उन्हें ब्लैंक चेक ऑफर करेंगे, यानी कि कुछ भी अमाउंट हो 10 साल के लिए वो टीम के साथ जुड़े रहने की अपील की थी यहाँ पर शाहरुख खान ने, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या यहाँ पर गौतम गंभीर शाहरुख खान के साथ जुड़ेंगे या फिर बीसीसीआई के साथ वो जाएंगे? लेकिन आपको बता दें कि अगर यहाँ पर बीसीसीआई के वो हेड कोच होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनको मिलेगी, यानी कि अगर बीसीसीआई की तरफ से होंगे तो वो केकेआर के मेंटोर के तौर पर नहीं जुड़ सकते, ऐसा रूल है। तो क्या वो शाहरुख खान के साथ जुड़ेंगे या फिर बीसीसीआई का दामन थामेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर मैच की बात करें तो मैच बिल्कुल ही रोमांचक नहीं था। जहां से टॉस यहां पर भले ही हैदराबाद की टीम ने जीता हो, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, वो फैसला आई थिंक इसलिए किया होगा क्योंकि इनकी टीम जो है वो बैटिंग में बड़ी ही तगड़ी नजर आई है, चाहे वो ट्रेविस हेड हो चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। उसके बाद के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन आईपीएल के फाइनल मैच में सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो फिसड्डी साबित हुए, एक के बाद विकेट्स गिरते गए। मिचेल स्टार्क पहले ही ओवर में यहां पर अभिषेक शर्मा का विकेट लिया, उसके बाद वैभव अरोरा ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, उन्होंने भी यहां पर ट्रेविस हेड को 0 रन पर आउट किया। इसके बाद राहुल त्रिपाठी आउट हुए और जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद सारा खेमा जो था वो धीरे धीरे आउट होता चला गया। टीम जो है वो 113 रन बनाकर सिमट गई, ऑल आउट हो गई। और जैसे ही यहां पर बल्लेबाजी आई केकेआर की वैसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली। हालांकि 2 विकेट गिर गए थे, सुनील अरे जो थे वो 6 रन बनाकर आउट हो जाते, लेकिन वहां पर वेंकटेश अय्यर का बल्ला चलता है। इसके अलावा बात की जाए तो गुरबाज ने भी अच्छी पारी खेली और बड़ा ही टोटल नहीं था, 114 रन का लक्ष्य यहां पर मिला था और इजिली ये टीम जो है वो जीत गई और 8 विकेट से यहां पर हैदराबाद को हरा दिया है। ट्रॉफी के साथ ही जो सपना था केकेआर का वो पूरा हो गया है और जैसे ही यहां पर ट्रॉफी जीत गई केकेआर की टीम वैसे ही सभी खिलाड़ी जो है वो काफी खुश नजर आए। सबसे ज्यादा यहां पर चर्चाएं जो हो रही है वो श्रेयस अय्यर की हो रही है क्योंकि श्रेयस अय्यर को यहां पर बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया था, टीम इंडिया का वो हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जवाब दिया है श्रेयस अय्यर ने अपनी ट्रॉफी को जीत कर कि उनमें वो कैलिबर है, कैसे टीम लीड किया जाता है, कैसे रन को तब्दील किया जाता है बड़े रन में, ये मैटर करता है। और ट्रॉफी जीतने के बाद श्रेयस अय्यर थोड़े से भावुक भी हो गए थे, उन्होंने कई सारे खिलाड़ियों को उसका श्रेय दिया कि टीम जो होती है टीम गेम होता है, वहां से अच्छा प्रदर्शन किया और ये ट्रॉफी हमें मिली। और साल 2014 के बाद ट्रॉफी जो है वो नहीं जीती थी केकेआर की टीम ने और साल 2024 में गौतम गंभीर का कमबैक हुआ और ये कयास लगाए जा रहे थे कि गौतम गंभीर जो है वो काफी अच्छे मेंटोर के तौर पर साबित हुए, चाहे वो लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ की तरफ थी जब वो थे, वहां पर भी प्लेऑफ में टीम पहुंच गई थी 2 बार लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई। हालांकि जैसे ही यहां पर केकेआर के साथ जुड़ते हैं वो आई थिंक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है यहां पर केकेआर के लिए और केकेआर की टीम तीसरी दफा ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है। तो क्या लगता है आपको कि क्या यहां पर गौतम गंभीर शाहरुख खान के साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि केकेआर की टीम के साथ 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट उनका जो पेश किया था यहाँ पर शाहरुख खान उनके साथ जाएंगे या फिर बीसीसीआई उन्हें अपना हेड कोच बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखती है वहां पर वो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच होंगे या फिर केकेआर के साथ जुड़े रहेंगे यानी कि मेंटोर के तौर पर? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर ले ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।